महालक्ष्मी व्रत विधि और कथा। सबसे पहले प्रातः काल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। करिष्यहे महालक्ष्मी व्रत में त्वत्परायणा तद्विधनेन में यातु समप्तिन स्वत्प्रसादत। अर्थात हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो, सी कृपा करें। यह कहकर अपने हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांध लें, जिसमें 16 गांठें लगी हों, बांध लेना चाहिए। प्रतिदिन आश्चिन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाया जाता है, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी जाती है। श्री लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उसका 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। इसके बाद व्रत करने वाले उपवासक को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। पूजन सामग्री में चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। नए सूत 16 से 16 की संख्या में 16 बार रखा जाता है। इसके बाद निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। शिरोदार्णव संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतोनानेत संतुष्टा भवताद विष्णुबल्भा। अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी जी, चंद्रमा की सहोदर श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो, इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसे अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो व्यक्ति किसी कारण से इस व्रत को 16 दिनों तक न कर पाए, वह 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत के 3 दोनों में प्रथम दिन, व्रत का 8वां दिन व व्रत के 16वें दिन का प्रयोग किया जा सकता है। इस व्रत को लगातार 16 वर्षों तक करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फल, दूध, मिठाई का सेवन किया जा सकता है। महालक्ष्मी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं, तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो, 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से किया जाता है। जय माँ महालक्ष्मी आरती। जय लक्ष्मी माता मैया। जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माताओ, मैया तुम ही जग माता।
सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाताओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता ओ मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की दाता जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती ते है सब सद्गुण आता ओ मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता ओ मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोद्धि जाता ओ मैया क्षीरोद्धि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता ओ मैया जो कोई जन गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता जय लक्ष्मी माता।